तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये जौनपुर के शाही किला का ये दरवाज़ा है, ये मेन दरवाज़ा है जिससे हम लोग एंट्री करके अंदर चलते हैं और अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं कि अंदर के क्या क्या नज़ारे हैं जौनपुर किले में। ठीक है, तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज हम आए हैं जौनपुर के शाही किले में घूमने के लिए, आपको हम यहाँ के सारे नज़ारे दिखाते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितना अच्छा गार्डन है बच्चों के लिए खेलने के लिए, बहुत ही लंबा चौड़ा गार्डन है। आप अगर आप अपने फैमिली के साथ यहाँ आते हैं तो दोस्तों काफ़ी इन्जॉय करेंगे आप। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी हरियाली है, काफ़ी पेड़ पौधे लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से इस गार्डन को सजाया गया है। पूरे किले को एक गार्डनिक रूप दिया गया है जिसमें कि आप अपने फैमिली के साथ यदि आते हैं तो बहुत ही इन्जॉय करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में, आज हम इस किले को पूरा घुमाएंगे आपको और इस किले में जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ इस किले के जो ऐतिहासिक महत्व है, जो इसका इतिहास में महत्व रहा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और इसके साथ ही साथ पर्यटन की दृष्टि से क्या महत्व है इसका और आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, कैसे विजिट कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे इस ब्लॉग में। दोस्तों शाही किले की स्थापना की बात की जाए तो शाही किले की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने सन 1362 में करवाया था। दोस्तों यह दुर्ग गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है और इस दुर्ग के जो भीतरी फाटक हैं वह लगभग 26 फुट ऊंचे तथा 16 फुट चौड़े हैं। दोस्तों इस फाटक पर एक विशाल गुम्बद का भी निर्माण किया गया है। तो दोस्तों वर्तमान में यदि आप इस किले में घूमने आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसका पूर्वी द्वार है और जो इसके अंदर की मेहराबें बनी हुई हैं वही अभी वर्तमान समय में शेष रूप में बचे हुए हैं, जो कि इस किले की भव्यता की गाथा को दर्शाते हैं। दोस्तों इसके सामने के जो शानदार फाटक हैं जिसको कि मुनीब खान ने सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया था और इसे नीले तथा पीले पत्थरों से सजाया था। दोस्तों इस किले के अंदर अगर आप देखते हैं तो इस किले के अंदर एक तुर्की शैली का हमाम और एक मस्जिद का भी निर्माण किया गया है। दोस्तों इस किले को यदि आप घूमने जाते हैं तो इस किले से आप देखेंगे कि इस किले से आपको गोमती नदी का दृश्य एवं इसके साथ ही साथ पूरे जौनपुर शहर का एक मनोरम दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करें शाही किले के इतिहास की तो शाही किला जौनपुर में मध्यकालीन इतिहास का एक उत्कृष्ट नमूना रहा है। दोस्तों इस किले के मुख्य द्वार के बाहर मौजूद एक 6 फीट का ऊँचा स्तंभ बनाया गया है जिस पर सन 1376 की तिथि अंकित की गई है। दोस्तों बात करें इस किले के जीर्णोद्धार की तो मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान इस किले का जीर्णोद्धार और विकास भी किया गया था। इस किले का जो विशाल प्रवेश द्वार है वह लगभग 14 मीटर ऊंचा है और इसके दोनों तरफ कक्ष का निर्माण भी किया गया है। मुगल साम्राज्य के दौरान अकबर के गवर्नर मुनीब खान ने पूर्वी प्रवेश द्वार की ओर एक अतिरिक्त प्रांगण भी बनवाया था और इस प्रांगण में लगभग 11 फीट ऊँचा प्रवेश द्वार का निर्माण किया था। दोस्तों अगर इस किले के आकार की बात की जाए तो यह किला एक अनियमित चतुर्भुज के रूप में स्थापित किया गया है और इस किले के पूर्वी तरफ एक मुख्य प्रवेश द्वार बनाया गया है और इसके पश्चिमी तरफ एक अतिरिक्त निकास द्वार का निर्माण भी किया गया है। दोस्तों इस किले में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण इमारतों का भी निर्माण किया गया है, इनमें से हमाम या फिर जिसे हम भूलभुलैया कहते हैं, इसके अलावा बंगाल शैली की मस्जिद जिसमें कि कुल 3 गुंबद स्थित हैं और इस बंगाल शैली की जो मस्जिद बनाई गई है उसके ठीक सामने एक मीनार भी स्थित है जिस पर कि कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। दोस्तों भूल भुलैया की संरचना की बात की जाए तो भूल भुलैया की संरचना आपको तुर्की स्नान या फिर
हमाम का एक आदर्श प्रतिरूप आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, जो इसकी भूल भुलैया बनाई गई है, इस भूल भुलैया की संरचना आंशिक रूप से भूमिगत है, यानी कि थोड़ा सा ज़मीन से आपको भूमिगत यानी कि नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं पर्यटन की दृष्टि से इस किले का क्या महत्व है। दोस्तों, यह किला पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। आप यदि अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा अनुभव मिलेगा और काफ़ी अच्छा महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उन्हें एक अच्छे ढंग से सजाया गया है। पूरे किले को एक गार्डन का रूप दिया गया है ताकि आप अपने फैमिली के साथ यहाँ पर आकर इंजॉय कर सकें, और छुट्टियों के दिनों में यदि आप आते हैं तो आपको ठीक ठाक भीड़ भी देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर आप एक एज ए पिकनिक के रूप में आ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि आप जौनपुर के शाही किले तक कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आने के लिए आपको तीनों प्रकार के साधन देखने को मिल जाएंगे। यदि आप वायु मार्ग से आना चाहते हैं तो फिर आप बनारस के बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतर कर, वहां से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी है, जिसे आप बाई बस या फिर बाई टैक्सी तय करके यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो जौनपुर में ही जौनपुर जंक्शन स्थित है, और आप जौनपुर जंक्शन से भी उतरकर लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर आपका शाही किला जौनपुर जंक्शन से पड़ेगा। आप वहाँ से भी आसानी से आ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो फिर जौनपुर में आपको रोडवेज देखने को मिल जाएंगी। आप यदि उत्तर प्रदेश के किसी भी नज़दीकी ज़िले से यहाँ पर आते हैं तो फिर आपको वहाँ से आसानी से बस की उपलब्धता हो जाएगी, और आप यहां किले तक आराम से आ सकते हैं। बस अड्डे से जौनपुर किले की दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर आपको पड़ेगी। आप वहां से आसानी से टैक्सी या फिर टेम्पो का सहारा लेकर इस किले तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप सबको इसी तरह के बेस्ट प्लेसेस की वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।